नमस्कार श्रोताओं, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त मैं आपके साथ में एक बात करते हैं इस वक्त की खास अपडेट की। दमोह में पुलिस पर हटा के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश में गंभीर आरोप लगाए हैं। जज आरोपी सोनी ने जिला सत्र न्यायाधीश को इस संबंध में पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने आशंका जताई है कि भविष्य में उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। जज कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में सुनवाई कर रहे हैं। देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटा के द्वितीय अपर सत्र न्यायालय को आदेश दिया गया है कि संबंधित मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश किया जाए, जिसके अंतर्गत हटा एसडीओपी को संबंधित मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत करना था। हटा द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आरपी सोनी ने दमोह पुलिस अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिला सत्र न्यायाधीश को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि इस मामले में अभियुक्ता के साथ साथ दमोह पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने अधीनस्थों संग उन पर झूठा एवं मनगढ़ंत दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक दमोह द्वारा अपने अधीनस्थों के साथ मिलकर उनके विरुद्ध भविष्य में गंभीर झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। ये थी हमारी इस वक्त की ताजा अपडेट, और ऐसी अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। नमस्कार।